नाम क्या? दीदी कहाँ वाले? किशनपुरम। खाना खाए? क्या खाए खाने में आज? बिरयानी। अच्छी थी बिरयानी? 90 साल। टुकड़े कितने खाए? टुकड़े कितने खाए? अच्छी थी बिरयानी। वही पकड़ रही। क्या नाम? नाम ना जीना तुन्निसा। कहाँ वाले? आजाद नगर। शिवाजी नगर। खाना खाए? आ गया। अच्छा है। आपके दोस्त थे इधर? नहीं है कोई। निम्चाल ले रही। किससे बात नहीं करते आप? किसी से भी? अच्छा। किसी से बात नहीं करते? नहीं करते। जोर से। है। जोर से जरा बोल। है। सुने मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फारूक है। मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का, अलमान एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से है। आशियाना ओल्ड एज होम अंडर अलमान एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के अंडर में ये चल रहा है। ये 2009 में शुरू हुआ। इसकी वजह यह है कि मैंने बहुत सारे बुज़ुर्गों को रोडों पे देखा। अच्छे ख़ानदानों के बुज़ुर्ग है ना, रोड पे है ना, मजबूरी की हालत में इधर उधर भटकते रहे। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग इनके वास्ते एक सहारा बनाएं, एक छोटा सा घर बनाएं, ताकि इनको है ना आप इनकी देखभाली की जाए। तो इस तरह से है ना हम लोग है ना ये 2009 में शुरू किए। तो इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते गए लोग, हम लोग इसको एक्सपेंड करते गए। अभी हमारे पास 54 इनमेट्स हैं, रेसिडेंट्स हैं, जो लेडीज़ ज़्यादा हैं, 26 लेडीज़ हैं, बाकी के हैं ना जेंट्स हैं। तो अभी हमारे पास हमको स्टॉप करना पड़ा एडमिशन, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है फ़िलहाल। तो जगह की कमी की वजह से हम लोग है ना स्टॉप करना पड़ा इसको। अभी हमारे पास 200 के ऊपर एप्लीकेशंस मौजूद हैं यहाँ पे। तो इस वास्ते है ना जगह की तंगी की वजह से हम लोग है ना इसको एडमिशन को स्टॉप करना पड़ रहा है। नहीं, ये सेक्युलर है, ये
हमारे पास नॉन मुस्लिम्स भी हैं, दूसरे मज़हब के भी हैं, सारे मज़हब के आते हैं। ये जो काम है ये इंसानियत का काम है, ये इंसानियत का काम है। इसके वास्ते कोई मज़हब या कम्युनिटी को नहीं देखा जाता, तो इस वास्ते है ना ये सेक्युलर है, टोटल 100% सेक्युलर है। हमें अभी तक हम लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि किस तरह से चलाया जाता है। हमारे कम्युनिटी का ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ओल्ड एज होम है पूरे कर्नाटका में, दिस इज़ द फर्स्ट ओल्ड एज होम ऑफ आवर कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी। तो इसमें है ना हमको उतना आइडिया नहीं है, तो हम ना अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट से भी अभी क्या भी उतना खास मदद नहीं मिली, और पब्लिक से भी हम लोग है ना ज़्यादा अप्रोच नहीं किए। जो भी यहाँ लोग आ जाते हैं देखने के लिए, उन लोगों को अपने तरफ से वो डोनेट कर देते हैं। तो हम लोग आपस में है ना ट्रस्टीज वगैरह सब मिलके है ना थोड़ा डाल के ये चला रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद अभी बढ़ गया है काम, इस वास्ते हम लोग अभी सोच रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स और गवर्नमेंट्स एजेंसीज को अप्रोच करके वहाँ से फंडिंग लिया जाए। अभी मौजूद कहाँ कौन से इलाके से हैं? हमारे पास आशियाना में चारों तरफ के हैं, जैसे मैसूर से हैं, बेंगलुरु से हैं, चिकबालापुर से हैं, टुमकुर से हैं, कोलार से हैं, तमिलनाडु से हैं, तो चारों तरफ से हमारे पास आते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन हमको अप्रोच करता है, कोई एरिया के लोग अप्रोच करते हैं, कोई मस्जिद कमेटी से यहाँ पे है ना हम लोगों को भेजा जाता है। अभी जो इनका हेल्थ का जो मेडिसिन दवाई का जी, किस तरह से होता है, क्या हर हफ्ते में डॉक्टर इधर आते हैं? हर 15 दिन को है ना हम लोग है ना हमारे डॉक्टर्स को लेके आते हैं, यहाँ पे कैंप डालते हैं, उनके थ्रू से है ना इनका पूरा चेकअप होता है एवरी 15 डेज। तो चेकअप होने के बाद है ना उनको मेडिसिन जो भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं हम लोग खुद ख़रीद कर है ना इनको देना पड़ता है। और अगर उन्होंने क्रिटिकल कंडीशन में रहे तो उनको है ना बेंगलुरु लेके जाना पड़ता है, विक्टोरिया या बोरिंग हॉस्पिटल या प्राइवेट नर्सिंग होम को एडमिट करना पड़ता है। तो ये जो अखराजात आते हैं ये सब बहुत ज़्यादा हैं हमारे लिए, तो ये सबसे बड़ा बर्डन है ये हमारे लिए, क्योंकि मेडिकल सपोर्ट हमना नहीं है। सर कोई बीमार है या सब कुछ है, सब पूरे भी सेहतमंद है जी, बीमारी में मुश्किला है जी, ऐसे भी रहेंगे आप? हमारे पास बेड रिडन भी हैं, 103 साल के बुज़ुर्ग भी हैं, 80 साल हैं, 90 साल हैं, 95 साल हैं, तो ये जो है हमारे पास 60 ईयर्स एंड अबव के हैं, पूरे 60 to 100 ईयर्स के हैं। तो ये बेड रिडन भी बहुत सारे हैं जो उनकी है ना 24 घंटे देखभाल करना पड़ता है, उनको उठाना बिठाना नहलाना हर चीज़ है ना उनकी देखभाल करना पड़ता है। बहुत सारे बीमार ऐसे हैं जो चल नहीं पाते हैं, उनकी भी देखभाल ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी आते हैं वो तंदुरुस्त लोग नहीं आते, बिल्कुल बेबस बेसहारा कमज़ोर बीमार लोग ही आते हैं, बुज़ुर्ग। ये अच्छे ख़ानदानों के भी हैं, करोड़पति भी हैं, वक्त इनका ऐसा हुआ है कि इनके बच्चे नहीं रहे, कोई किसी के बच्चे ना हुए, अकेले हो गए, किसी की शादी नहीं हुई, अकेले हो गए। अच्छे ख़ानदानों में कई भी है ना करोड़पति थे, अच्छे जी रहे थे ये लोग, बूढ़े होने के बाद कोई इनका हाथ नहीं पकड़ा, कोई सहारा नहीं मिला, जिसकी वजह से यहाँ पे आना पड़ा इनको। यहाँ पे अभी हमारे पास हैं एक हरिहर के बुज़ुर्ग हैं जो बहुत मालदार थे, कई मस्जिद बनाए, कई मदरसे बनाए, कई ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, वो अपने हाथों से अपने पैसों से ख़ानदान वालों को मदद किए, सब कुछ किए, लेकिन उम्र होने की वजह से 90 ईयर्स हो गए, उन्होंने हाथ पर जवाब दे दिए। उसके बाद उनकी बीवी इंतकाल हो गई, अकेले हो गए, सारे रिश्तेदार उनकी प्रॉपर्टी ले लिए, पैसा ले लिए, और उनको है ना रोड पर ला के मस्जिद के पास छोड़ के चले गए। वो हमारे पास 3.5 साल से हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे इनकी खिदमत हो रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास आए जो एक ज़माने में अच्छे खाते पीते लोग थे, अच्छे ख़ानदानों के थे, कई कारण की वजह से है ना उनको है ना बेसहारा होना पड़ा और यहाँ पे आना पड़ा उनको। मैं सारों से अपील करता हूँ कि इस तरह से खिदमत खल्क जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हम लोग भूल गए हैं। ये खिदमत खल्क को हम लोग है ना इसको आगे लेके जाना है। इसी तरह के लोग बेबस बेसहारा बुज़ुर्ग हैं या बूढ़े हैं या अंधे हैं या लूले हैं या गूंगे हैं, ऐसे जो भी बेबस सहारा बेसहारा रहते हैं इन लोगों को है ना हम लोग मदद करना चाहिए। ऐसे इदारे बहुत सारे खोलने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारी कम्युनिटी आज सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ कर्नाटका हो गए हैं, पॉपुलेशन बढ़ गया है, लेकिन हमारे पास इदारे नहीं होने की वजह से हम लोग हैं ना बहुत बेबस हो गए हैं। मैं अपील करता हूं सारे आवाम से कि ऐसे अपने अपने इलाकों में ऐसे इदारे खोलें
अंधे बच्चों के लिए, बेबस बच्चों के लिए, गूंगे बच्चों के लिए, मेंटली रिटार्डेड, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, डी एडिक्शन सेंटर्स, ऐसे इदारे हैं ना, खोलें अपने अपने इलाकों में और इनकी खिदमत करें ताकि हमारी सोसाइटी और कम्युनिटी आगे बढ़े, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। मेरा नाम आमिना अर्शिया, मैं ट्रस्ट की जनरल सेक्रेटरी। हमारा ट्रस्ट 1996 में शुरू हुआ। आशियाना ओल्ड एज होम शुरू होकर 10 साल हुए हैं। 2009 में शुरू हुआ। जी, हम लोगों के पास जो एनजीओज है उनमें एक बेसिक प्रॉब्लम है थोड़ा सा। हम लोग एक टाइम काम करती, बस एक बार चावल देती किसी फैमिली को, एक महीने में एक बार देती, या फिर एक बार स्कूल शुरू होने के टाइम पे बुक्स दे देती। हम लोग रियलाइज़ करें, आशियाना ओल्ड एज, हम भी पहले वही करते थे जब 96 में हम लोग ट्रस्ट स्टार्ट किए, हम भी वही करते थे। एक बार किसी को चावल देते थे, एक महीने में एक बार, एक महीने में एक बार बुक्स देते थे, एक टाइम की मदद करते थे हम लोग। लेकिन जब ये आशियाना ओल्ड एज हम लोग स्टार्ट किए, तब हमें रियलाइज़ किए कि एक बार कुछ कर देने से किसी को भी सुधार रही नहीं, हमें बस उनको और ज़्यादा बिगाड़ रही। अब ओल्ड एज होम में यहाँ पे रोज़ हमें 3 टाइम खाना देना पड़ता है, दिन रात देखभाल करना पड़ता है, तभी जाके एक इंसान के सर पे छत है, एक इंसान की पूरी तरह से देखभाल हो रही है। तो एक इंसान से करते करते अब अल्हम्दुलिल्लाह 55 लोगों की हमें दिन रात देखभाल ही कर रही, 60 लोगों से ज़्यादा यहाँ पर इंतकाल होके हैं, पूरी तरह से देखभाल हो रही है। अगर इन लोगों को अगर हमें एक बार सिर्फ खाना दे दे के 100 रुपये हाथ में पकड़ा देते, तो इनकी जो वाकई में देखभाल होना चाहती थी वैसी नहीं हो सकती थी। इसीलिए हम लोग सोचे कि नहीं, अगर कुछ करना है तो इंशाल्लाह सही तरीके से करेंगे। जैसे अब हमारे पास इतने बुज़ुर्ग हैं, दिन रात हमें इनकी देखभाल कर रही, तभी जाके सही तरीके से इनकी देखभाल हो रही है। इनको मेडिसिन, खाना, बीमार हो गए तो हॉस्पिटल लेके जाना, हमारे घर में हमारे बुज़ुर्गों का जैसा ख्याल रखती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ही इन लोगों का भी ख्याल हमें लोग रखने की पूरी कोशिश करते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कामयाब हो रही या नहीं हो रही, लेकिन कोशिश हमारी तरफ से पूरी है। बच्चों के लिए हमारे ब्लाइंड बच्चों के लिए, फिज़िकली चैलेंज बच्चों के लिए इंशाल्लाह हम लोग एक और बिल्डिंग बना रहे हैं केजी हल्ली में, वहाँ पे भी इंशाल्लाह हम लोग उनकी पूरी तरह से वहाँ उनका ख्याल रखना चाहते हैं। इन बच्चों को भी एक बार स्कूल की फ़ीस देना या थोड़े किताब देना, उससे उनकी मदद नहीं होती। जब तक बच्चों को हम उनके अपने पैरों पर नहीं ठहराते, तब तक हमें लोग भी कामयाब नहीं हो रही, हमें जो काम करना चाह रही वो काम नहीं हो रहा है।